धर्म एज अ कोस्टा इज द स्वीटेस्ट, क्योंकि वो बहुत माचो आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, और उस और वो दादागिरी नहीं करते हैं, और अपने आप में वो इतने मस्त है कि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं हीरो हूँ और फ्रेम मेरे ऊपर होना चाहिए. बहुत दिल से उनका दिल बहुत सच है, उनका प्यार और उसके हमारे जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं. क्योंकि आपको पता है, आई थिंक जब पहली बार हम लोग पिक्चर में काम किए थे, उस टाइम मेरी शादी हुई थी और धर्म एंड हेमा हैड गॉट मैरिड. वो पिक्चर तो पता नहीं बने नहीं या चले नहीं या वॉट एवर, मगर तो तब से धर्म ने हर वक्त मुझे कहता है कि मुझे तो काम ही करना था तुम्हारे साथ, तो इसलिए अब तो मौका मिला. क्योंकि जब अनुराग बासु धर्मेंद्र को कहा काम करने को, देन धर्म सेड कि मुझे नफीसा के साथ ही काम करना है. तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये एक बहुत नॉवेल पिक्चर है और अनुराग बासु बहुत बैलेंस्ड डायरेक्टर है, और एक्टर्स को भी बहुत पसंद है ऐसे पिक्चर में काम करने के. क्योंकि आपको पता है कि जितने आप के अंदर आप या आपके जो रियलिटी आप बाहर दिखाते हैं, वो डायरेक्टर देखने को दिखाने को तैयार है. यू नो, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू गेट डिग्निटी इन एक्टिंग, बहुत ज़रूरी है. और अनुराग का स्टाइल डिफरेंट है और मुझे बहुत पसंद है. और सीरियस सब्जेक्ट है, प्यार भी है, दुख भी है, और एक एक्शन है. म्यूज़िक बहुत ही ब्यूटीफुल है, आई लव द म्यूज़िक, एंड आई थिंक ये म्यूज़िक भी बहुत वेल रिसीव्ड होंगे हमारे देश में. कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको गाना? हो रिश्ते, बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल. बहुत मेलोडीज बहुत हॉन्टिंग है, और बहुत आसान है समझने में, इसलिए मुझे पसंद है. बिकॉज जितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ज़िंदगी में, उतने आसानी से आप समझोगे तो फिर पता चलेगा कि ये मुश्किल काम नहीं है. एन आर पचीसिया जी एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, आई हैव नॉट मेट द प्रोड्यूसर एज येट. ओके, I only know Anurag Basu and Dharminder, and of course UTV is the production house, and I haven't met them. So, sir, Dharmendra ji ke saath aapke scenes the ya baki co-stars? With Shilpa and Kunkana. Kaise lagi aapko Shilpa ji? Shilpa is an old friend of mine, aur Shilpa bahut bahut sweet ladki hai, bahut aur hum aur dost bhi hai. तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ काम करने के. हम लोग बैठ के बहुत गॉसिप भी करते हैं आपस में चुपचाप से, एंड मैं तो बहुत खुश हूँ कि उनका ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिग ब्रदर बहुत इट वाज. क्योंकि देखिए, कोई भी जीत देश का भी जीत होते हैं, और जिस तरीका से उसने एक रेसिज्म को हैंडल किया बहुत मैच्योरिटी के साथ, और शिल्पा हैज़ इवॉल्व्ड, और एक उसका एक्टिंग का जो तरीका भी है वो भी एक एक बदलाव या एक चेंज के साथ दिखा. देर इज़ अ चेंज इन हर स्टाइल ऑफ एक्टिंग विच इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू इवॉल्व. कुंकणा इज़ अ वेरी सीरियस एंड वंडरफुल एक्ट्रेस. And आपको पता है शायद, आई डोंट नो, अनुराग हैज टोल्ड यू दिस मूवी इज़ गोइंग टू द कान फेस्टिवल, इसलिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी डबल शिफ्ट सब कुछ की ख़त्म करें पिक्चर. तो वी आर ऑल ट्राइंग आवर बेस्ट. ये ऐसी मूवी कही जाएगी जिसमें कई सारी स्टोरीज चलती हैं, फिर बाद में सारी कहानियां लिंक हो जाती हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ये कहानी है ऑफ मेट्रो सिटी. लिंकेज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतने रिलेशनशिप होते हैं उसमें लिंकेज होना भी ज़रूरी नहीं है, मगर बताना या दिखाना ज़रूरी है. तो ये पिक्चर उस रिलेशनशिप्स के साथ जुड़ा है, और इट इवॉल्व्स इनटू द स्टोरीज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, इसलिए आई एम एंजॉयिंग इट. मैं दो चीज़ की वजह से मैं बहुत
ग्रेटफुल हूँ क्योंकि अनुराग बासु जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का जो मौका मुझे मिला, ये एक बहुत नॉवल एंड यूनिक एक्सपीरियंस है. और ऑफ कोर्स धर्मेंद्र के साथ काम करने में मुझे बहुत आई थिंक मुझे बहुत पसंद आया या बहुत अच्छा लगा, क्योंकि धर्म बहुत दिल से इंसान है और उसका जो प्यार है और अफेक्शन है वो बहुत रियल है, नाटक मास्टर नहीं है. तो इसलिए आई हैव फाउंड इट वंडरफुल.